परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकरण अकारण कृपा से देव आदिदेव इष्ट देव परम पिता परमात्मा श्री राम हम सब पर अनुकंपा किए हुए हम सबको नाम के साथ सत्संग के साथ सेवा के साथ परहित परोपकार के साथ इस मार्ग पर बड़ी सुगमता से लिए जा रहे हैं और प्रत्येक साधक यथा योग्य जो मार्ग गुरु महाराज ने वर्णन किया हुआ है इसको समझ करके इस पर चलने का भरपूर प्रयत्न भी करते हैं। यही तप है। मंजिल को प्राप्त करने के लिए पहला कदम उठाना यही बुद्धिमता है। ये गुरु महाराज की हम सब पर विशेष कृपा है। नित प्रातः प्रथम स्थान अपने इष्ट को और गुरु महाराज की वाणी को देना अपने नित कर्म कलाप में विचार देख करिएगा। सुबह उठते ही हम इस बात के लिए ललायत रहते हैं कि हमें सत्संग में पहुंचना है। प्रथम स्थान अपने इष्ट को दिया और गीता का सिद्धांत है जो सदैव प्रथम स्थान मुझको देता है मैं भी अपनी कृपा दृष्टि से ऐसे भक्त को कदापि अपनी कृपा से दूर नहीं रखता। उसके ऊपर भी सबसे पहले कृपा मैं करता हूं। जहां तक रह गई प्रारब्ध की बात, प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर, परंतु प्रारब्ध भी भोगना तो पड़ेगा ही। जो सिद्धांत है, जो नियम है, वह तो सबके लिए एक समान है, परंतु एक पत्थर धूप में तप रहा है, परंतु एक जल में पानी में वह एक सी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, एक तप रहा है और एक शीतल है। बस इसी प्रकार जो नाम के साथ सत्संग में गुरु महाराज के साथ जुड़ गए उनको अपने प्रारब्ध की तपश बहुत दुखदायक नहीं रहती। उसका प्रभाव कहीं अधिक कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध समाप्त नहीं होता, उसको भोगना ही होता है, परंतु उसके वेग को बहुत कम कर दिया जाता है। इस विधि से, नाम जाप से और इस ज्ञान के द्वारा अपने नित कर्म करके, तब गुरु महाराज ने कहा महिमा महा सुनाम की। ये नाम की महिमा है जिसको हम नित नियम से जपते हैं, जिसकी शरण में बैठते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं। महिमा महा सुनाम की, इसको महा सुनाम, सुंदर नाम जो मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। महिमा महा सुनाम की मुनिगण पाए ना पार, इसकी कहां तक महिमा गाई जाए। जो इसकी शरण में आ जाता है उसको असंख्य लाभ होते हैं। जितने भी मुनि ऋषि संत महात्मा इसकी पूर्ण रूप से महिमा कि राम की कितनी शक्तियां हैं, इस नाम में
क्या क्या विद्यमान है ये पूर्ण रूप से आज तक कोई भी नहीं गा सका। कौन कौन? ज्ञानी, जो बहुत ज्ञानवान है, बहुत ज्ञान को जानते हैं, परिपूर्ण है ज्ञान से, वह ज्ञानी भी इसकी पूर्ण शक्तियों को नहीं जान पाया। हाँ, इसकी शक्तियों को अनुभव जो जाप करता है, जब वह इसका चिंतन करता है कि अपनी परिस्थिति को देखता है, उसमें बदलाव देखता है, एक नहीं अनेक प्रकार से ये राम नाम अपना प्रभाव डालता है। ये बात कहीं से सुन के पढ़ करके नहीं कहा गया, ये समस्त ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव की बातें बताई हैं, ये अपने अनुभव लिखे हैं उन्होंने। तेरा अंत किसे ना पाया राम, वह किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, रक्षा करता है, बाधा विघ्न को दूर करता है, हमारा पालन पोषण करता है, उसकी शरण में आकर किस प्रकार कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मानव तो एक दृष्टा ही रहता है, देखने वाला रहता है, वह तो देख रहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वह शक्ति अनुभव में आती है, इन चरम चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, परंतु जो कार्य सिद्ध हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, वह अवश्य दृष्टि गोचर हुआ करते हैं। तब गुरु महाराज ने कहा, महिमा महासुनाम की मुनिगण पाए ना पार, ज्ञानी ध्यानी योगी जन ध्यान में लीन, जो उसके नाम में लीन रहते हैं, ध्यान में इतने निकटतम अपने इष्ट देव के वह भीतर होता है और वह ध्यानी उसमें लीन होता है, उसमें प्रवेश किया होता है, इतना निकटतम होते हुए भी उसकी सर्व शक्तियों को नहीं जान पाता। अधिकारी को देख करके वह अपनी शक्तियां प्रकट करते हैं, जो जितने का अधिकारी है उसको उसके तप के अनुसार, उसकी भावना के अनुसार, उसके समर्पण के अनुसार, उसकी दृढ़ वृत्ति वह भावना के अनुसार, वह उसी प्रकार उतने ही उसके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं और लाभ अपनी योग्यता के अनुसार। अध्यात्म मार्ग में ये योग्यता अपने आप को कितना सधाया हुआ है, कितना जो ज्ञान वर्णन किया गया है उसके अनुसार अपने जीवन में वास्तव में ये प्रयत्न पहला ही होता है कि मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं। बाकी का कार्य वह परमपिता परमात्मा आप करने लगता है, उसकी बागडोर, ये यूं ही नहीं कहा, यूं ही नहीं कहा, ये प्रत्यक्ष रूप में साधक अनुभव करता है कि कोई शक्ति उसके भीतर कार्य कर रही है, वह शक्ति प्रकट हो चुकी है, वह उसके भीतर कार्य कर रही है, उसका प्रत्येक कार्य उस शक्ति का कार्य होता है, वह तो निमित्त मात्र हाथ पांव से केवल उसी के आदेश का पालन करता है। यह सत्य है, इसमें कोई किसी प्रकार की भी शंका ही नहीं है। इस अवस्था को उस भगवान का टूल बन जाना, जिस ढंग से वह चलाना चाहे वह चलाएगा, ये संभव है। अपना समर्पण, दृढ़ विश्वास, पूर्ण भावना अथा प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य विश्वास, अटूट विश्वास,
उत्तरोत्तरी साधक उन्नति करता चला जाता है। वह इसी लोक में जो ब्रह्म धाम के सुख हैं, इसी लोक में ब्रह्म धाम में विचरने लगता है। वही सुख, वही शांति अपने भीतर अनुभव करता है। ये वर्णातीत अनुभव साधकों के रहे हैं। मुख के द्वारा जैसे उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती, उसकी कृपा को भी अनुभव किया जा सकता है। मिठास को बोला नहीं जा सकता है कि ये मीठा कैसा है, इसको अनुभव किया जा सकता है उसकी मिठास को। ये जितना जो साधक इसमें प्रवेश करता चला जाएगा, वह परमपिता परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि से उसे उतना ही निहाल करता चला जाएगा। महिमा महासुनाम की मुनिगण पाए न पार, ज्ञानी ध्यानी योगी जन योग उसके साथ मिलाप, गए कथन में हार। अपने कथन के द्वारा तो उसकी पूर्ण रूप से महिमा नहीं गा सके। हाँ, मन के से जपे, मन रूपी मन का, जैसे माला का मन का, अपने मन को मन का बना लो, अर्थात जैसे माला पर